जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और खूबसूरत सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। बदरपुर दिल्ली से रितु आंटी जी ने, हाँ जी बदरपुर दिल्ली से रितु आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यार से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किए। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा गुरु जी, संगत जी माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। अभी कुछ मंथ पहले की बात है, मेरे भैया और मैं, हम दोनों गए थे खाटू श्याम जो राजस्थान में पड़ता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग काफ़ी 18 किलोमीटर था आई थिंक अप्रॉक्स, हम लोग चल के गए। वो जो झंडा होता है उसको लेके गए थे, मैं, जीजा जी, मेरे भैया, हम तीन जने थे। तो हम लोग जाते हैं और वहाँ पर मतलब हम पूरे थक चुके थे, कभी इतनी चलने की आदत नहीं थी पैदल पैदल चलने की। और पूरा जब हम मंदिर के पास पहुँचते हैं, एंट्री करते हैं, तब वहाँ पर बहुत बहुत गंदी वाली भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा था कि लोग गिर सकते थे एक दूसरे के ऊपर, पूरी जान निकालने वाली भीड़ थी। आगे लाइन आगे गिर रही है, फिर पीछे गिर रही है, मतलब भगदड़ जैसा सीन था। तो मेरे मन में यही चल रहा था अगर पैर स्लिप हो गया तो गई मैं, दब जाऊंगी, मर जाऊंगी। काफ़ी टाइम कंट्रोल किया और पैरों की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी थी हम तीनों की चल चल के। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो, लेकिन हम भीड़ से लड़ नहीं पाए। तो फिर मैंने चिल्लाना शुरू करा कि नहीं, मुझे निकालो, मेरा दम घुट जाएगा, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं करने दर्शन, मैं कभी और आ जाऊँगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ से निकालो, कैसे भी निकालो। पर कोई रास्ता ही नहीं था निकलने का, हम बिल्कुल बीचों बीच फंसे हुए थे हम तीनों। जब इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे लग रहा था, मैं देख रही थी कि मेरी जान निकलने ही वाली है, अगर मेरा पैर स्लिप हो जाता है तो सब मेरे पे गिर जाएंगे। तो मैंने चिल्लाना शुरू करा, पता नहीं क्या दिमाग में आया, और सिर्फ गुरुजी को बोलने लगी, गुरुजी बचाओ, रो रही हूँ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी निकालो, मुझे बाहर निकालो, पापा का बाहर निकालो, गुरु पापा बाहर निकालो। इतनी कस कस के मैंने चिल्लाना शुरू करा, तो पता नहीं क्या हुआ, 2 मिनट भी नहीं हुए, ऐसा लगा कि हम तीनों का ही हाथ पकड़ के किसी ने बिल्कुल बाहर फेंक दिया और बाहर उस पूरी भीड़ से बाहर निकाल के एक हलवाई की दुकान पे सुरक्षित बैठा दिया वहाँ पे ले जाके। और भीड़ वैसी की वैसी है, लड़ रही है आपस में, गिर रही है एक दूसरे के ऊपर, और हम तीनों पता नहीं कैसे निकल गए वहाँ से। जोर हम तीनों ने नहीं दिया कि हम निकल पाए या नहीं, क्योंकि हमें पता था हम नहीं निकल सकते इसमें से, लेकिन ऐसा लगा कि गुरुजी आए और उन्होंने हमें निकाला और उस हलवाई की दुकान पे बिठाया, वरना ऐसे कौन दुकानदार भी बिठाता है, वो तो उनका डेली का होता है, देखते ही है वो लोग। तो उन्होंने बिठाया और फिर पानी वानी पिलाया बैठा के, और फिर हम लोग मतलब तब जाके ऐसा लगा कि उस मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हाँ, मुझे यही लगता है कि मेरे गुरुपा ने ही मुझे बचाया, वरना शायद जिंदा भी नहीं होती मैं, इतनी बुरी हालत थी वहाँ की। तो दर्शन नहीं हो पाए खाटू श्याम जी के, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ तक पहुँचाया गुरुजी ने, यही बहुत बड़ी बात है। और अभी उससे पहले सिर्फ मैं और भैया गए थे उज्जैन महाकालेश्वर, जो कि एमपी में पड़ता है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। और वहाँ पे ये था कि
मतलब हम लोग हम मतलब उससे बात करने से पहले घर में डिस्कस हो रहा था। मैंने भैया से अचानक पूछा कि भैया क्या हम उज्जैन नहीं जा सकते, ये क्या इतना इम्पॉसिबल है जाना, ऐसे रैंडमली पूछ लिया। तो भैया ने कहा अरे क्यों नहीं जा सकते, चल देखते हैं कितना खर्चा आता है कितना। यूट्यूब पे सब सर्च करने लग गए हम लोग कि क्या कहाँ रुकते हैं कैसे क्या होता है। तो पता चला भस्म आरती तो मेन होती है और भस्म आरती के लिए बुकिंग करनी पड़ती है। तो फिर हमने बुकिंग का चेक किया तो चार चार पांच पांच महीने तक फुल जा रही थी, सीट्स फुल थी, कोई खाली नहीं था। तो मेरा पूरा तो मन बन गया था कि जाना है मुझे, कैसे भी जाना है अब तो। मैं गुरुजी के पास जब नहा वहा के मंत्र जाप करने बैठी तो मैं गुरुजी से बोल रही, गुरुजी आपको तो महाशिव बोलते हैं ना, आप तो शिव जी हो ना, तो आप उज्जैन क्यों नहीं बुला सकते, हमें बुलाओ ना बाबा, किसी तरह भी बुलाओ ना। माना कि फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने यूट्यूब पे देखा तो एक तरीका पता चला कि ऐसे भस्म आरती अगर सर्च करेंगे तो हो जाता है। तो फिर मैंने भैया को बताया, भैया देखे जरा। तो हमने फिर सर्च किया तो देखा कि बुकिंग खाली थी, कुछ कुछ सीट वहां पे खाली थी। तो हमने फटाफट दो सीट बुक कर दी, एक भैया ने बुक करी और एक मैंने बुक करी, और फिर फटाफट टिकट भी बन गई। पता भी नहीं चला गुरुजी ने कैसे हमारी बात मान ली और कैसे हमें उज्जैन बुला लिया। और एक और एक्सपीरियंस क्या हुआ कि जो सीटिंग थी ट्रेन की वो नॉर्मल जैसे होती है वैसे ही थी, लेकिन मेरी जो सीटिंग थी वो विंडो सीट पे नहीं थी, साइड में थी, और भैया की जो सीटिंग थी वो विंडो सीट की थी। तो भैया मेरे को चिढ़ा रहे थे कि देख देख तेरी विंडो सीट पे नहीं है, मेरी विंडो सीट पे है। और जैसे हम वहां जाते हैं तो ट्रेन की जो सीटिंग थी वो चेंज हो गई और मेरी मुझे विंडो सीट मिली, और मुझे इतनी खुशी हुई कि ये गुरु जी कर सकते हैं भाई, कोई नहीं कर सकता, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल एहसास दिलाते हैं गुरु जी की, वो हर टाइम संग है, हर समय संग है, शुक्राना गुरु जी, मुझ जैसे को अपने चरणों बीच रखने का शुक्राना, हर पल हर सांस दा शुक्राना गुरु जी, इतना कुछ देने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई गलती हो तो माफ करिएगा संगत जी, जय गुरु जी।